channel. I forgot my own name. Hello and welcome back to my YouTube channel. If you're new here, I am Yashu Chajed. मैं 3 साल से content create कर रही हूँ on Instagram. YouTube मेरे लिए बहुत नया है. मैंने कुछ अभी तक 4 या 5 videos डाले होंगे max to max. और मेरे बारे में तो इतना ही है. आई होप कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगे. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करेगा कि मैं वीडियोज़ बनाऊं या कुछ भी. तो प्लीज़ कर लेना यार सब्सक्राइब. ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है. आपको फ्री में सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. एंड आज की वीडियो हॉल वीडियो होने वाली है. मैंने अमेज़ॉन से कुछ 5 टॉप्स ऑर्डर किए हैं. विंटर के हिसाब से ऑर्डर किए, बट काफ़ी बेसिक टॉप्स ऑर्डर किए. ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी निटेड विंटर वेयर्स है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. क्योंकि मैं जिस शहर में रहती हूँ वहाँ उतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं होती है. एक टॉप डाल लिया तो भी हो जाता है. बहुत ज़्यादा अगर कुछ होता है तो एक टॉप के ऊपर जैकेट डाल लूँ तो हो जाता. तो मैंने उसी हिसाब से टॉप्स ऑर्डर किए जो मेरे भी काम आ जाए. और आई होप कि आप लोगों को पसंद है. तो अभी तक मैंने कुछ ट्राई तो नहीं किया है. मैंने यहाँ रख रखा है, मैंने एक बार बस खोल खोल के देखा है सारा, बट मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक कुछ भी. तो बिना डिले के चालू करते हैं ये वीडियो. और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. मैंने सारे अभी अनबॉक्स कर लिए हैं. मैंने खाली खोल खोल के देखा था कि जो मैंने मंगाया वही आया है या नहीं. वी हैव दिस टॉप. सबसे पहले आई होप आपको दिख रहा हो अच्छे से लाइट वाइट. तो ये है, ये मेरे को साइड पे बहुत अच्छी लग रही थी ऑनेस्टली, बट सामने से मतलब ठीक है. ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लगता है. ऐसे क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी. और फुल स्लीव लेंथ भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है. मतलब हाथ का लेंथ काफ़ी अच्छा है. और बटन्स भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ ख़राब फिनिशिंग है. तो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है. अब मेरे पे पहन के कैसा लगेगा वो तो बात का बात है. नेक्स्ट इज़ दिस. ये भी मैंने बटन वाले ही मंगवाए हैं और इसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा. आई थिंक ये दोनों सेम ब्रांड के. हाँ, ये दोनों सेम ही ब्रांड के. तो ये काफ़ी अच्छा है क्वालिटी इसका भी. एक सेकेंड. और ये मैंने वैसा ही मंगाया है. इसको आप अंदर कुछ इसके डाल के, ये सारे ओपन होते हैं बटन्स, तो इसमें कोई आप सिंपल सा टैंक टॉप पहन के उसके ऊपर भी पहन सकते हो नॉर्मल. और अगर आपको खाली ये ऐसे पहनना. अच्छा, इसमें एक बटन खाली ऐसे खोलने वाले हैं, बाकी सारे ये वाले बटन्स हैं इसमें. नहीं, ये तो काफ़ी अजीब है. इसमें बीच में ये खाली बटन क्यों दे दिया. 2 बटन ये वाले हैं और बाकी ऐसे खोलने वाले बटन्स हैं. ये अजीब है, ये काफ़ी ऐसे नहीं होता. या तो एक पूरा हुक वाला होता है या फिर पूरा. जो भी है, इसकी क्वालिटी तो अच्छी है. प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं प्राइस आपको बताती हूँ देख के थोड़ी देर में. पर आई होप अच्छा ही लगे. मुझे इसका कलर उतना पसंद नहीं आया अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे पास ऐसे कलर्स हैं और मेरे पे ये कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. तो ठीक है, आई होप ट्राई करके अच्छा होगा. और फिटिंग सारा अच्छा होना चाहिए, बस वो मैटर करता है और तो कुछ मैटर नहीं करता. नेक्स्ट इज दिस ब्लैक टॉप. ये ना लूज फिट टॉप है थोड़ा सा, और मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था. और मेरे को ऐसे लूज फिट टॉप्स ऐसे ही बहुत पसंद है, काफ़ी कंफर्टेबल भी होता. तो मैंने ये अपने लिए मंगा लिया है. और इस ये काफ़ी क्यूट लग रहा था यार, जो जिस मॉडल ने पहन के रखा था ना, तो काफ़ी क्यूट है. इसका शोल्डर भी ऐसे शायद नीचे तक आता है थोड़ा. तो मैंने ये मंगाया है. ये तो मैं रखने वाली हूँ, मेरे को लगता है कि मतलब जैसा भी फिट आए शायद मैं रख ही लूँगी. और ये ना थोड़ा ऐसे ट्रांसपेरेंट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा अंदर थोड़ा ऐसे पतला है, मुझे ऐसे दिख रहा है. ऐसा नहीं कि आप पहनोगे तो दिखेगा, बट ऐसे लग रहा है मेरे को. तो पता नहीं अब ठंड के लिए ये सही है या नहीं. और ना एक ये टॉप है, देखो ये टॉप है. मेरे को लगा था ये रिब टॉप है, क्योंकि पिक्चर में मेरे को ऐसे ही लग रहा था कि थोड़ा ऐसे रिब मटेरियल होगा इसका. बट ये इसका मटेरियल रिब तो नहीं है. अब इसको कौन सा मटेरियल बोलते हैं नहीं पता मेरे को, बट ये कुछ ऐसा मटेरियल है. बट ये काफ़ी क्यूट लग रहा है ऑनेस्टली. इसका कलर भी बहुत ही क्यूट है और मटेरियल भी अच्छी है. तो दिस इज वन मोर. अच्छी लगेगी मेरे पे ये मैं रख लूँगी यार, ये काफ़ी क्यूट लग रहा है मेरे को. और लास्ट टॉप है, टॉप बोल रही हूँ, लास्ट टॉप. ये ना वाइट है, इसका पैकेजिंग काफ़ी अच्छा लगा मेरे को.
ऐसे अलग से भी पैक करके दिया है, एक ऐसे शीन अर्बानिक टाइप्स पैकेजिंग लग रही है इसकी। ये मैंने स्लीवलेस ऐसा मंगाया है कुछ, मेरे पास ना ऐसा एक टॉप था ऑलरेडी, बट वो थोड़ा ना वाइट का क्या प्रॉब्लम होता है, वो कुछ टाइम बाद येलो हो ही जाता है, वो काफ़ी पुराना है, मतलब बहुत साल हो गया उस टॉप को। तो मैंने सोचा एक मैं ये मंगा लेती हूँ ये, क्योंकि ना लेयर करने में बहुत अच्छा होता है। इस पे आप खाली कुछ जैकेट डाल लो, या इसके नीचे एक फुल स्लीव टॉप पहन के आप जैकेट डाल लो, ये पहन लो, ये जैसे भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर ये इतना सा जो होता है ना, मुझे ना ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने बड़े बड़े टर्टन नेक मेरे से नहीं होता, मेरे को उल्टी आने लगता है, मेरे को ऐसे घुटन फील होती है, तो मैं इतने बड़े वाले टर्टन नेक्स कभी पहन ही नहीं सकती हूँ। बट इसका मेरे को काफ़ी क्यूट लगता है और इसका बहुत सही है, नॉट बैड, एंड प्राइसेस सब अंडर 500 रुपीज़ है। मैं सारे प्राइसेस भी मैंशन कर दूँगी जब मैं आपको ट्राई करके दिखाऊँगी, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। तो मैं जाती हूँ अभी ये सारे ट्राई करती हूँ। ओ बाय द वे, मैंने अभी जो ड्रेस पहन के रखा है ना, ये मैंने जब इंस्टा पे इसकी वीडियो डाली थी तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि कहाँ से है, तभी मैंने सबको लिंक्स दिया था इसका, बट मैं इसका अभी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये मैंने मिंत्रा से मंगाया था, ये कुछ 750 ऐसा ही कुछ का है ये, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब बहुत ज़्यादा ही, इसमें डिटेलिंग भी इतनी अच्छी है, ऐसे सामने भी इतना अच्छा, और नीचे का मैं फुल ऐसे दिखाई दे रही हूँ आपको, तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैं इसका भी लिंक डाल दूंगी, और अभी चलते हैं ये सारा ट्राई करना है, और ट्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। दिस लुक्स सो क्यूट, मेरे को ऐसा लगा था कि ये मेरे पे अच्छा नहीं लगेगा या ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट ऑनेस्टली जैसा पिक्चर पे लग रहा था उस मॉडल पे वैसा ही लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। मैंने बोला था कि इसके स्लीव्स का मतलब स्लीव्स काफ़ी लॉन्ग है, तो अच्छे से पूरे हाथ पे से कवर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इतना तो गा के रह गया, वो काफ़ी अजीब सा लगता है ऑनेस्टली। और ये काफ़ी क्यूट है यार और इसके बटन्स भी नॉर्मल है, जैसे मैंने आपको बोला था दूसरे वाले टॉप में एक हुक है, मतलब वैसे खुलने वाला बटन, और फिर एक नॉर्मल जो बटन होते हैं वो है, बट इसके सारे बटन नॉर्मल है। इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी है गाइस, एक्चुअली ये कुछ ऐसा है, और ये काफ़ी क्यूट है। दिस इज़ फॉर 459 रुपीज़, एंड मैंने साइज़ इसमें एक्चुअली ना एक ही साइज़ था, साइज़ मीडियम टू साइज स्मॉल ऐसे करके लिखा हुआ था, तो मैंने वही ऑर्डर किया था, और ये काफ़ी अच्छी फिटिंग आ रही है मुझे तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। मैं ये रखने वाली, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पे अच्छा नहीं लगेगा या जो भी है, बट काफ़ी क्यूट है ऑनेस्टली, तो मैं तो इसको 9/10 रेट करती हूँ, 10/9 होता है ना, 9/10 रेट कर रही हूँ। आई एम सो डम Guys, you are not ready for this. Trust me, this is so cute. मेरे को लगता था Amazon पे, इनफैक्ट हम लोग सबको ऐसा लगता था कि Amazon पे तो क्या ही अच्छे कपड़े मिलते होंगे, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, बट लुक एट दिस, अभी आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस, दिस लुक्स वेरी क्यूट। इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी है, थोड़ी टाइट है, मतलब बॉडी पे एकदम चिपक गई है, बट This is how it's supposed to look, and this looks absolutely pretty. This is only for 379 rupees. And मैंने size S order किया है इसमें, but इसमें एक problem लग रही है कि इसके sleeves कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं, मतलब I don't think कि जब body पे इतने अच्छे fit आई है तो इसके हाथ कुछ ऐसे होंगे, but जो भी है आजकल तो fashion है ना ऐसे हाथ ऐसे करके इसे cute cute लगता है, पता नहीं, दिस इट्स जस्ट फैशन, तो दिस इज़ वेरी क्यूट। एंड मेरे को नहीं पता, ये मुझे एक्चुअली लगा था कि ये रिप्ड होगा, मैंने जैसे बोला, बट मुझे नहीं पता ये विंटर्स में कुछ काम आने वाले या नहीं, बट दिस इज़ वेरी क्यूट ऑनेस्टली, और मेरा काम चल जाएगा क्योंकि मैं इसको इसको पहन के अगर मैं जैकेट भी डाल लूँ ऐसे लॉन्ग श्रग या जैकेट कुछ, तो आई थिंक कैलकटा जैसे शहर में तो मेरा काम बन जाएगा, बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी प्रिटी, तो मैं ये भी रखने वाली हूँ। यार दोनों अभी तक ट्राई किए, दोनों काफ़ी क्यूट है, काफ़ी अच्छे टॉप्स है, तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो मैं तो इसको 100% सजेस्ट करती हूँ। नेक्स्ट ट्राई करने जा रही हूँ ग्रीन वाली, ग्रीन वाली के बटन्स थोड़े अजीब है, ट्राई करके देखते कैसा लग रहा है मेरे पे। मैं कितनी गधी हूँ गाइज, दिस टॉप इज़ नॉट व्हाट आई एक्चुअली ऑर्डर्ड, मेरे को याद भी नहीं था, मैं तब से ऐसे बोल रही हूँ और मेरे को बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं किया। मैं अभी अपने ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर रही थी तो चेक कि ये कितने प्राइस का है और कौन सा साइज़ मैंने ऑर्डर किया, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि दिस टॉप इज़ नॉट व्हाट आई एक्चुअली ऑर्डर्ड, एंड मैंने सारे चेक किए थे, सब देखा मैंने, फिर भी मेरे को स्ट्राइक नहीं किया कि ये तो मैंने मंगाया ही नहीं था, क्योंकि मेरे को अब याद आ रहा है
कि इस कलर में मैंने कुछ और देखा था एंड आई डिड नॉट ऑर्डर दैट क्योंकि मेरे को ये कलर उतना नहीं पसंद आता है. मेरे पास था ऐसा कलर में कुछ बट मैं नहीं पहनती वो, एंड वो भी कुछ ऐसे बटन्स वाले ही है. और वो बहुत क्यूट टॉप था, वो कुछ ऐसे इनर था उसके अंदर एंड उसके ऊपर श्रग था, कुछ ऐसा टॉप था वो. दिस इज नॉट व्हाट आई ऑर्डर्ड. ये कुछ 439 रुपीज़ में मैंने मंगाया था और फ्री साइज था, मैंने वही मंगाया था बट ये आया उसकी जगह. आई एम सो डिसअपॉइंटेड राइट नाउ. अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि अमेजोन से इतने अच्छे कपड़े आते हैं, ये आते होते हैं. नो डाउट ये काफ़ी अच्छा है ऑनेस्टली, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. और ये जो बटन्स भी है, अभी मेरे को पहनने के बाद रियलाइज़ हो रहा है कि ये नॉर्मल बटन्स दिए हैं एंड देन ये जो ये वाले बटन्स है ना गाइस, ये ऐसे वाले बटन्स, ये मेरे को लगता है कि इसके दिए क्योंकि ये जो बीच में से गैप्स हो जाते हैं ना, बहुत सारे ऐसे शर्ट्स होते हैं हमारे जिसमें ऐसे गैप्स हो जाते हैं, तो वो इसीलिए दिया है ताकि वो गैप्स ना आए. और इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है और हाथ भी काफ़ी सही है इसमें, हाथ में ऐसे क्यूट सा डिटेलिंग भी दिया हुआ है. नो डाउट दिस टॉप इज एक्चुअली वेरी प्रिटी, क्वालिटी वाइज भी अच्छी है, बट ये तो वो टॉप ही नहीं है जो मैंने ऑर्डर किया था. तो क्या फ़ायदा इसको रेट करने का, मतलब क्या फ़ायदा, वाई अमेजोन वाई. ये सारे के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. और हाँ, अभी तक अगर आप वीडियो पे हो और वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच कि इतने दूर तक आप आए हो. एंड सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. पानी पी लिया करो गाइस, स्टे हाइड्रेटेड. कौन बोल रहा है जो खुद पानी नहीं पीता. एनीवेज दिस इज द ब्लैक टॉप गाइस. मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने इस टॉप को कुछ ज़्यादा ही हाइप कर दिया है क्योंकि मैं बार बार ऐसे बोल रही थी ब्लैक टॉप ब्लैक टॉप ब्लैक टॉप, वो तो बहुत अच्छा होगा. अभी मेरे को उतना अच्छा ये नहीं लगा, मतलब मेरे को बाकी सारे टॉप्स बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत क्यूट लग रहे थे. और वो ग्रीन वाला भी जो कि मैंने नहीं मंगाया था वो फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये उतना कुछ खास नहीं लग रहा. मतलब हाँ बेसिक सा टॉप है, बेसिक ही मंगाया था मैंने, बट ठीक है. इसकी मटेरियल इज गुड, वेरी गुड, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये स्लीव्स इसका. मैंने पहले ही बोला था ना कि मेरे को वो इतने से जैसे हाथ पे छूट जाते हैं, मेरे को वैसा नहीं पसंद है. मेरे को फुल हो तो फुल अच्छा लगता है, या तो फिर आप इतने इतने रखो ऐसे, एक ऐसे पसंद है, या फिर स्लीवलेस हो. तो इसलिए मेरे को तो ये नहीं अच्छा लगा उतना, बट इसका ओवरऑल मटेरियल अच्छा है. इसको आप बहुत ज़्यादा विंटर्स में आई थिंक इसके नीचे कुछ इनर विनर डाल के ऊपर जैकेट करके भी पहन सकते हो. कैलकटा में तो ये ऐसे काम आ ही जाएगा, इसमें अगर मैं एक इनर डाल लूँगी नीचे तो मेरा काम चल जाएगा. तो इसको मैंने वैसे 399 रुपीज़ में मंगाया था, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, फिटिंग अच्छा ही है इसका. देखो प्रॉपर ओवरसाइज फिट है इसका, ये देखो ये कॉलर भी कितनी क्यूट है ना. मैंने इसका साइज एस मंगाया था अपने लिए, इसमें आई थिंक ज़्यादा साइजेस नहीं है, एस एम एल बस इतने शायद साइजेस होंगे. मैं इतना स्टटर क्यों करती हूँ मेरे को नहीं पता, बट इतने ही साइजेस है. और इसमें कलर्स भी है गाइज, इसमें कुछ मरून, बॉटल ग्रीन, ब्लैक और शायद एक और कलर होगा, आई डोंट रिमेम्बर. बट जो भी है, मैंने आई थिंक जितने भी टॉप्स पहने ना सब में कलर्स अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से अपने पसंद के कलर्स भी मंगवा सकते हो. मैंने सारे अलग अलग कलर्स मंगाए थे क्योंकि मेरे को सेम कलर नहीं चाहिए था. तो जो भी है दिस इज़ गुड. एंड लास्ट टॉप बचा है अभी वाइट वाला, तो उसको भी ट्राई कर लेता है. आई होप उसकी फिटिंग अच्छी हो क्योंकि वो मेरे को रखना ही है, क्योंकि मेरा पहले वाला वाइट टॉप जो था सेम टाइप का वो थोड़ा येलो हो गया है, तो आई होप इसकी फिटिंग अच्छी हो. बाकी स्टे ट्यून्ड, दिस इज द वाइट टॉप गाइस. फिलहाल तो जैसे मैंने बोला मेरे को ये टर्टल नेक नहीं पसंद आता बिल्कुल भी, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ. आई डोंट नो वीडियो पे कैसा लग रहा है जो भी है, बट मेरे से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मेरे को घुटन फील होती है, तो इसको मैंने ऐसे कर लिया है. टॉप लुक्स गुड, बट ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है. आई डोंट नो इसमें आपको वीडियो पे दिख रहा है नहीं, मैंने अंदर ब्लैक इनर डाला है तो सामने से तो दिख रहा है वो ब्लैक इनर, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है. बट अगर आपको इसको लेयर वेयर करना है वाइट फुल स्लीव टॉप या ऐसा कुछ पहन के विंटर्स में, अगर आपको इसको डालना है तो आप डाल सकते हो, काफ़ी अच्छी लगेगी. और इसके ऊपर जैकेट पहन के भी इसको अच्छे से स्टाइल कर सकते हो. इसका फिर से मैंने रेट नहीं देखा है, तो मैं रेट आई मीन प्राइस और इसका साइज़ मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कहीं पे स्क्रीन पे, तो आप देख लो. और ओवरऑल सारे अच्छे थे टॉप्स मैंने जो भी मंगाया है, सिवाय एक टॉप के जो कि
मैंने मंगाया था और वो वैसा नहीं आया. बट एनी वेज अमेजोन की क्वालिटी आई थिंक काफ़ी इम्प्रूव हो रही है डे बाई डे. और अमेजोन का रिटर्न भी बहुत अच्छा है. 10 days रिटर्न पॉलिसी होता है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में, फैशन के भी और बाकी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स में भी 10 days का रिटर्न अवेलेबल होता है. तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है. जितने भी टॉप्स मैंने मंगाए हैं सब में कलर्स अवेलेबल है. आप अपने हिसाब से अपने चॉइस के कलर्स भी मंगवा सकते हो, साइजेस भी अवेलेबल है. ये सारे टॉप्स मैंने जो मंगाए थे 500 के अंडर ही मंगाए हैं. तो ये था मेरा आज का वीडियो. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो. और लास्ट चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने ट्राई ऑन करके स्क्रीन अलग से नहीं डाला है, क्योंकि मैंने देखा था कुछ क्लिप्स और क्लिप्स पे काफ़ी अच्छे से टॉप्स विजिबल थे, तो मैंने इसलिए नहीं डाला. अगर आप लोगों को वैसा वीडियो चाहिए कि मैं लुक्स भी आपको दिखाऊं ताकि आपको थोड़ा आउटफिट का भी आइडिया मिले, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना नीचे. तो मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट टाइम से कि मैं पूरा एक लुक क्रिएट करके आपको दिखाऊं कि मैंने जो मंगवाया है वो टॉप्स हो या वो ड्रेसेस, उसको आप किसी चीज़ किस तरीके से स्टाइल कर सकते हो. तो प्लीज़ कॉमेंट कर देना. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़. बाई.